इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला काम ये करना है, आपके फोन में जो फाइल का ऐप है, इस फाइल के आपको ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा हुआ है ना, इसे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब भी आप फोन को चार्ज करेंगे तो आपको हमेशा अपने फोन के साथ वाला चार्जर यूज करना है। कभी कभार ऐसा होता है ना, हम दूसरे फोन का चार्जर यूज कर लेते हैं। देखिए दूसरे फोन के चार्जर से हमारा फोन चार्ज होता तो है, लेकिन स्लो चार्ज होता है, क्योंकि दूसरे फोन का चार्जर हमारे फोन को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता है। एक बात यह भी ध्यान रखनी है, जब भी आप फोन को चार्जिंग पे लगाएंगे तो फोन को चार्जिंग पे लगा के अपने फोन को इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, एक काम यह भी आपको करना है कि आपके मोबाइल फोन का नीचे जो चार्जिंग पोर्ट होता है ना, उसे आपको हल्के हाथों साफ करना है। ठीक है, अगला काम यह करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ये ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ही ध्यान रखनी है, आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है ना, उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की Gmail ID और Gmail ID का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर जाना है आपको और अपना फोन वहाँ पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपका फोन स्लो चार्ज हो रहा है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना, वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताएं। ठीक है।